और ये लिली भी मिल चुकी है मुझे, तो बादाम के पैकेट दे देती हूँ। माचा भात बना रही, माचा भात। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3:45 बजे से, और अभी जस्ट ये आए हैं चाय पीने के लिए। तो अभी बोले कि मुझे जिया बना दो क्योंकि भूख लगी हुई है, तो मैंने इनके लिए बनाई है जिया। ये रहा जिया, और जिया पी रहे हैं अभी हम दोनों, इंजॉय कर रहे हैं। दिया और श्रेया को दे दिया उनके रूम पे, और अभी थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ मेरे दोस्तों के साथ रिलायंस मॉल, स्मार्ट बाज़ार भी बोलेंगे, वहाँ जहाँ पे पहले बिग बाज़ार था तो अब वहाँ पे बन गया है स्मार्ट बाज़ार, मॉल खुल चुका है। तो अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं आज। अब मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी वहाँ, क्योंकि जब से बिग बाज़ार बंद हुआ है ना बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बिग बाज़ार नज़दीक भी है तो ऐसा हो जाता था कुछ भी छोटा मोटा सामान लेना तो बिग बाज़ार दौड़ो फटक से ले लो, और जब से बिग बाज़ार बंद हुआ है तो तब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो इधर लोकल दुकानों में नहीं मिल पाती है और बिग बाज़ार में मिल जाती थी आसानी से, थोड़ी इस चीज़ की परेशानी हो रही थी। तो देख के आते हैं रिलायंस मॉल में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो अगली बार जब कोई ऐसा कुछ होगा तो सीधे वहीं दौड़ेंगे बाज़ार को। तो अभी थोड़ी देर में लिली ने बोला है 4 बजे चलेंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ उसका। तो 4 बजे चलेंगे, लगभग लगभग तैयार हो चुकी हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं जय इन्जॉय करती हूँ, फिर उसके बाद निकलती हूँ उन लोगों के साथ मॉल के लिए। तैयार हो चुकी हूँ, दोस्त का फ़ोन आ चुका है और मैं निकलती हूँ फटाफट उनके साथ के लिए। आई एम रेडी। और ये लिली भी मिल चुकी है मुझे, तो हम लोग निकल चुके हैं मॉल जाने के लिए। और सामने आगे आगे जा रही है योजी। देख योजी, हेलो बोल रहे हैं। और दिवाली की शॉपिंग करनी है बहन को, मैं भी देखूंगी कुछ अगर सामान लाना हो तो ले आऊँगी, क्योंकि शहर के पापा जाके पहले ले आए, फिर भी मैंने कहा चलो इसी बहाने घुमाई भी जाएगी दोस्तों के साथ। देख कर आते हैं, देख के आते हैं। एक तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं ना। हाँ, तो रिलायंस क्या स्मार्ट मार्ट है क्या? जियो स्मार्ट मार्ट बाजार ऐसे। अच्छा अच्छा, बाजार। हाँ, तो वही जाके पता चलेगा। बात हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि मार्केट का नाम वही, तो ये क्योंकि वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी हमें खुद ही नहीं पता ना। तो जाते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है, फिर आपको दिखाते हैं, फिर तब आप ही जाइएगा। लिली यहाँ पे दे रही है मिठाइयाँ दिवाली में गिफ्ट करने के लिए, और यहाँ पे बहुत वेराइटी की। सबको बता दे और यहाँ पे सारे प्रकार की सब मिठाई आपको मिल जाएगी, गुलाब जामुन से लड्डू से बेसन के सारे मिल जाएगी। ये देखिए जो लिली ले रही है, बादाम के पैकेट दे देती हूँ। अच्छा, मतलब मिठाई कैंसिल कैंसिल। चलो लिली मिठाई अभी सोच रही है। अच्छा, मकेल वाला आइटम ये वो पराठे तैयार रेडीमेड। हाँ, रेडीमेड डाल लगे ना। ये क्या ले रही तू? चोको पाई ले रही है। सब जगह मिठाइयाँ मिठाइयाँ दिवाली के से। मिठाइयाँ चॉकलेट ज़्यादा दिख रही है, नमकीनें बहुत ज़्यादा दिख रही है। फिलहाल तो नीचे वाले स्टोर में, ऊपर जाकर पता चलेगा। ये सब यहाँ पे भी यही है। लेने लगी कॉलगेट मोस्ट से। और मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और मैं जो जो सामान लाई थी ना मैंने छुपा दिए, इसलिए छुपा दिए क्योंकि दिया आएगी ना, दिया को पता चलेगा कि मम्मी क्या क्या लाई है, तो वो सारे खा लेगी, पता तो चली जाएगी उसको, क्योंकि मैं बिना बताए तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। बिस्किट लाई हूँ, ज़्यादातर बिस्किट है उसकी पसंद की ही है, और ये मफिन वाले बिस्किट लाई हूँ जो उसको पसंद होते हैं, और मेयोनीज़ लाई हूँ जो कि वो खूब ज़्यादा खाती है, सब उसी का ही आइटम पसंद है, और सर्फ ले गई मैं, मेरा सर्फ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिससे भी थोड़ा सा ऑफर चल रहा था, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, दिया को भी पसंद है मुझे भी पसंद है तो मैं ले आई हूँ। और बस साबुन लाए थे नहाने का, साबुन हो गया, और विम बार विम बार लेके आए। और अब मैं बना रही कर रही हूँ डिनर की तैयारी, प्याज फ्राई करने के लिए रख दी है मैंने, गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ मस्त तरीके से। और आज मैं बना रही हूँ माछा भात, बना रही हूँ माछा भात, मच्छी भात, मतलब मच्छी और भात बनाऊँगी,
मच्छी का मतलब मच्छी का साग बनाऊंगी और भात बनाऊंगी। और रिया तो खाती नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा आलू का कुछ बना दूंगी, सिंपल सा सादा सा। और श्रेया मच्छी नहीं खाती है तो श्रेया तरीके से चावल खा लेगी, श्रेया पापा और मैं खा लेंगे। तो मैं फटाफट बता रही हूँ तैयारी, प्याज मेरा फ्राई हो रहा है, मच्छी भी मैंने फ्रीजर से निकाल दी है और उसका थोड़ा सा भात गर्म होता है ठंडा, गलती होगी ना जाने से पहले उसको निकालना भूल गया, अगर पहले नहीं जाने से पहले निकाल लिया होता तो ये अच्छा खासा जो बर्फ है इसका जरा सा सॉफ्ट हो जाती मच्छी मेरी। अभी तो ऐसे हो रही क्या बताऊँ, टाइट किसी का जैसे नहीं होता पत्थर ढूंढ किसी का, अगर सर भी फोड़ दोगे ना उस फूट भी जाएगा सर, इतनी टाइट हो रही है मच्छी अभी मेरी। तो फटाफट करते हैं डिनर की तैयारी। और मॉल में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई इसलिए क्योंकि जैसे हम व्लॉग कर रहे थे थोड़ा बहुत तो कर ही लिया था, तो व्लॉग कर रहे थे तो एक आया बंदा वहीं मॉल का ही, तो बोले मैडम ये फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। मैंने कहा कर लो बात, मैंने कहा ये नया ही मॉल है जहाँ पर फोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी वहाँ पर, मतलब नहीं करी क्या करनी नहीं थी कि जितनी करी थी स्टार्टिंग में वही हुई है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं जानो दूध नहीं लाना है, हाँ चाय पत्ती लानी है, मैं चाय कैसे पीऊँगी, चाय पत्ती ला दूँ, अरे मैं मॉल गई थी याद ही नहीं रहा चाय पत्ती लाने का। अभी दिया को लेने जा रहे हैं और देखो मॉल गई और सामान भूल गई, चाय पत्ती लाना भूल गई मैं। चलो कोई ना, आपसे बात करते करते मेरे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हो रहे, साथ में लहसुन छीली हूँ, लहसुन छीले हुए लहसुन मेरे सारे ख़त्म हो चुके तो मुझे अब लहसुन छील के रखने फिर से क्योंकि हाँ ले आओ दिया को आप क्योंकि दिवाली आने वाली, हाँ कर दो क्योंकि दिवाली आने वाली है ना, तो फटक से सब छील छाल के रखूँगी लहसुन, तो कोई भी चीज़ बनाने में फटाफट आराम होगा, मुझे ही आराम होगा। तो मैं थोड़ा पहले लहसुन कूट लेती हूँ, पहले लहसुन कूट लेती हूँ उसके बाद करती हूँ। और यहाँ पे तैयार हो चुका है मच्छी का साग, खूब चटपट बनाया मैंने आज मच्छी का साग। और यहाँ पे बनाया मैंने आलू फ्राई किए दिया के लिए क्योंकि दिया मच्छी नहीं खाती है, तो मैंने थोड़े से आलू उसके घी में फ्राई कर दिए उसके लिए। और यहाँ पे बनाए चावल, मच्छी का साग मस्त दिख रहा है क्योंकि कलर से ही पता चला है कि खतरनाक ही बना है क्योंकि ये बोलते काफ़ी चटपट बनाना। डिनर बन के बिल्कुल तैयार है और जो मच्छी का कलर है ना बाय गॉड इतना खतरनाक दिख रहा है क्योंकि इन्होंने बोला था ना थोड़ा चटपटी बनाना मछली के साथ, तो मैंने इतना चटपट बनाया कि क्या बताऊँ, मैंने चखा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पाइसी हो रहा है। और दिया कि यहाँ पे आलू बन चुका है, साथ में मेरी रोटी भी बन चुकी है, चावल बन चुका है, डिनर बिल्कुल तैयार है, अभी तो 7 ही बजे है और अभी बजे है 7:05, तो 8 बजे करीबन करेंगे डिनर। तो मैं करती हूँ ना किचन थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने से पूरा किचन थोड़ा दैल फैल हो जाता है, तो मेरा भी ऐसे हो गया, तो इसको साफ करती हूँ। और यहाँ पे जो चिमनी है हमारी उसका ना जो लाइट वाला बटन था ना वो जल नहीं रहा है, मतलब दबाए रखो तो लाइट जल रही है, नहीं तो फिर लाइट अगर छोड़ दो तो लाइट बंद हो जा रही है। और ख़ास उसे मुझे इतनी परेशानी हो रही है ना उस चिमनी से इसलिए क्योंकि व्लॉगिंग करते समय मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए तो मैंने इनसे बोला कि वो ठीक करवा दो, कल बोला है आने वाले हैं कोई, और चिमनी इसी बहाने वाली चिमनी की सफाई भी हो चुकी है, तो कल भैया लोग आएंगे तो देख लेंगे, अगर आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो फर्क हम तो लगा ही देंगे इस चिमनी को क्योंकि यहाँ पे फिर परेशानी हो रही है खाना बनाने में, तेल वो उठ रहा है तड़के का सब, तो पूरा कमरे में फैल जा रहा है स्मेल, तो इसलिए कल तो मैं इसे किसी भी हालत में लगाना ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये ऐसे आधे आधे कुर्जे यहाँ पे रखे पड़े, इसका एक डिब्बा यहाँ पर रखा, एक कांच का मैंने धो दिया उसकी, और उसकी मोटर बाहर रखी पड़ी है, मेरे लाइट बन जाती ना ज़्यादा अच्छा रहता, और तो क्या हो गया जब कुकिंग ब्लॉग करते समय पूरा दिन प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी मुझे लाइट की, तो थोड़ी देर में करते हैं डिनर। अभी हमारा डिनर बन के तैयार है, दिया का मुँह बन गया जैसे मच्छा आवाज़ सुना दिया ने, तो हम लोग करते हैं फटाफट अपना डिनर। और इसी के साथ अपनी ब्लॉग की इवेंट नहीं करी, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।